अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज रजा मुजाहिद फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहरिया टाउन कराची। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली डेवलपमेंट चार्जेस से रिलेवेंट है। बहरिया के अंदर जैसे कि आप सबको ये पता है कि बहरिया की तरफ से 35% जो ओल्ड बीटीके की प्रॉपर्टीज थी बहरिया के अंदर उसमें इम्पोज कर दिए गए हैं। तो अब इसका इस वक्त क्या सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या चल रही है और इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसका बहरिया क्या वे आउट निकालेगा और क्लाइंट्स की तरफ से बहरिया को क्या रिस्पॉन्स पे हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ। कुछ बहरिया की मैनेजमेंट भी इसके ऊपर बैकअप पे वर्कआउट कर रही है जो हमें सुनने को मिला है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और दूसरा, क्लाइंट्स का अभी जो लास्ट ये धरना हुआ है फ्राइडे को तारिक रोड पे, वो सुनने में आ रहा है काफी सक्सेस रहा है और उसके ऊपर मतलब क्लाइंट्स ने उसको प्रॉपर बहरिया का इस चीज के ऊपर बोला है कि हमें 35% का हम बायकॉट करते हैं और इनको बिल्कुल खत्म किया जाए। तो अभी कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं जो मार्केट में भी चल रहे हैं, मे बी ये इन फ्यूचर के लिए हमारे लिए गुड न्यूज कंसिडर की जाए कि या तो बहरिया इनको खत्म कर देगा 35% डेवलपमेंट चार्जेस को, तो या इसको बहरिया मे बी इसकी परसेंटेज को कम करेगा। एक्सपेक्टेड 70-80% इनमें से कोई एक बैरियर स्टेप लेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो मार्केट इन फ्यूचर और डाउन हो जाएगी, रेट्स और नीचे चले जाएंगे और जो इस वक्त की क्लाइंट्स की सूरत हाल है तो मे बी क्लाइंट फिर उसके बाद कोई मतलब हाई स्टेप ले जाएं और जो चीज अब तक तारिक रोड पे हुई है वो मे बी कल बहरिया के अंदर हो। तो इन चीजों को बड़ा बहरिया खुद भी देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है और अपनी मैनेजमेंट से बात करके देखते हैं इसके ऊपर क्या फाइनलाइज होता है। तो इसमें इंशाल्लाह आप लोग वेट करें, अल्लाह इंशाल्लाह हमारे हक में बेहतर करे। सारे ही परेशान है, क्लाइंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है 35% का, तो इंशाल्लाह देखते हैं इसके ऊपर बहरिया क्या फाइनलाइज करता है। जैसे भी बहरिया की तरफ से फाइनल गुड न्यूज आती है तो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।